तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक फॉर्म बना दिया, इसके ऊपर हम फॉर्म के जो टेक्स्ट पे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रिंग्स वेरिएबल, ठीक है। और ये डिस्प्ले हो रहा है, सेव ऑल कर देते हैं। एक कंट्रोल बना लें जिसका नाम है लेबल, लेबल बना के हमने यहाँ रखा है, और उसकी जो फॉन्ट है वो हमने बढ़ा दिया है। फॉन्ट बढ़ा के 16-18 पर रख लिया, ओके कर दिया। यहाँ से जाके हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग्स वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया। अब इसको समझने की एक एग्जांपल बना रहे हैं, उस एग्जांपल के जरिए हम इसको समझें। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ पर रख लिया इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पर रख लिया, ठीक है। और फिर कंट्रोल वी यहाँ पर लिख लिया, फिर कंट्रोल वी किया और इसको इसके सामने रख दिया। इनमें मैंने इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी रख ली यहाँ से फर्स्ट नेम, यहाँ पे इसको मैंने रख लिया लास्ट नेम, यहाँ पे मैंने क्लिक करके फुल नेम कर दिया, जाग रहा है क्या? तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको ऑटो रिसाइज पे रखा, ऑटो रिसाइज फॉल्स कर दिया। बॉर्डर स्टाइल जो है इसका थोड़ा सा हमने रख दिया फिक्स 3D, और इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस, तो यहाँ से हमने लिया एक अदर टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ क्लिक करके फॉन्ट पे चले गए, यहाँ से हमने किया इसको 16 का फॉन्ट, साइज को थोड़ा एक्सटेंड किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पास करके रख दिया। अब बनाया हमने कमांड बटन जो कि काम करेगा, उसका फॉन्ट साइज भी हमने बढ़ा के 16 पे रख लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्लिक किया टेक्स्ट पे, प्रोसेस, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसके टेक्स्ट पे, सही है। अब इनके रखेंगे नाम, नाम हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 के रखने हैं, बाकी जरूरत नहीं है नाम। पहले इसका नाम रख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम, फिर इसका रख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स लास्ट नेम, फिर इसका रख लेते हैं लेवल डिस्प्ले, हाँ चलो फुल लेवल, ठीक है, रिलेवेंट हो जाएगा। और इसके टेक्स्ट को कर देंगे हम यहाँ से एम्प्टी। प्रोसेस का नाम रखेंगे बटन प्रोसेस, बटन क्लियर, कंट्रोल एस, ये हमारा डिजाइनिंग और नेमिंग दोनों कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे हम इसका कोड, डबल क्लिक करेंगे प्रोसेस वाले बटन पे तो कोड व्यू खुलेगा, जूम इन करेंगे तो बटन प्रोसेस अंडरस्कोर क्लिक उसका एक इवेंट एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रोसीजर के दरमियान में जो कोड लिखेंगे वो जब चलेगा जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो कीवर्ड है डिम, फिर वेरिएबल का नाम विदाउट स्पेस विदाउट नंबर विदाउट सिंबल, तो यहाँ पे हमने ले लिया फर्स्ट नेम इज, कीवर्ड है स्ट्रिंग, डिम लास्ट नेम इज स्ट्रिंग, डिम फुल नेम इज, डिम कीवर्ड स्ट्रिंग को लिखना पड़ेगा ना, ये भी तो बनेंगे, ये कमांड का हिस्सा जो ब्लू ब्लू है वो तो इंटीजर बनेगा ना, उससे वो जो इंटीजर बनाएंगे तो इंटीजर लिखेंगे, जब डबल बनाएंगे तो डबल लिखेंगे, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, पहले हमने बोला था इंटीजर लिखा था, अभी स्ट्रिंग लिखा है। ये कह रहा हूँ तू सुबह सो रहा है क्या? शुरू से क्लास का टाइटल क्या है हमारी आज की? स्ट्रिंग, तो फिर स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, पहले इंटीजर के बारे में पढ़ा था हमने, धोखा हो गया, धोखा हो गया। अब
क्लास से आज स्ट्रिंग के बारे में इंटीजर के बारे में नहीं पढ़ रहे, स्ट्रिंग टीचर हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग का सर, इसको मतलब बता दे। अभी इसने खुद ने बताया नॉन कैलकुलेटेड वैल्यू सर, चलो अब स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में डेटा लेंगे। फर्स्ट टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या रखा था, फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, लास्ट नेम का डेटा इससे ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट, फुल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल का डेटा कॉन्कटेनेट करेंगे, इस निशान का मतलब है कॉन्कटेनेट लास्ट नेम वाले के साथ, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स से इससे डेटा इनमें आ जाएगा और ये दोनों कॉन्कटेनेट होकर डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका आउटपुट लेबल पे बनाएंगे, तो लेबल फुल नेम डॉट टेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और फुल नेम वाला वेरिएबल का डेटा इस पर डिस्प्ले कर देंगे। इसके बाद तीनों वेरिएबल को खाली कैसे करते हैं, फर्स्ट नेम असाइनमेंट ब्लैंक, लास्ट नेम असाइनमेंट ब्लैंक, इसी में क्योंकि ये वेरिएबल इसी में डिक्लेयर हुए हैं तो इसी में एम्प्टी होंगे, दूसरे वाले प्रोसेस में एक्सेसिबल नहीं होंगे क्योंकि इनका स्कोप लोकल है, और फुल नेम असाइनमेंट ब्लैंक, ठीक है। चलें अब ट्राई करते हैं, निकाल के रन करेंगे यहाँ से कोड को। तो हमने यहाँ पे लिखा अकरम अली प्रोसेस, देखिए अकरम अली दोनों इसमें आ गया। अब बीच में स्पेस देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्कटेनेशन के बीच में स्पेस भी ऐड कर सकते हैं डबल कोट्स में, कॉन्कटेनेट डबल कोट स्पेस कॉन्कटेनेट, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे अकरम अली आप क्लियर करवाएंगे तो क्लियर करा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स और लेवल बॉक्स को क्लियर के बटन पर जाके। कैसे, यहीं से कोड ले लेते हैं, ये हमने लिया इसको कॉपी पहला वाला कंट्रोल, ये लिया हमने दूसरे कोड का कॉपी दूसरा कंट्रोल, ये हमने लिया तीसरे कोड का कॉपी तीसरा कंट्रोल, तीनों को क्या करना है हमने एम्प्टी इक्वल असाइनमेंट ब्लैंक इक्वल असाइनमेंट ब्लैंक इक्वल असाइनमेंट ब्लैंक, सेव कर दें, रन करें कोड को। यहाँ लिखा अकरम अली प्रोसेस क्लियर, ऊपर क्लियर नहीं आ रहा फुल नेम और लिखना पड़ेगा कोई वाला कोड, कौन सा ये वाला, ये तीनों वेरिएबल को एम्प्टी किया ना हमने, भाई देखें यहाँ से डेटा किस में जा रहा है वेरिएबल में, सही वेरिएबल को ही तो एम्प्टी करना है ना, अब उनको भी क्लियर कर दिया एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्सेस का, हो गया ना एम्प्टी। ये देखो ये लिखा मैंने राशिद, ये लिखा मैंने अली, ये मैंने किया प्रोसेस, ठीक है। अगर एम्प्टी हैं जब तो ये खाली आ रहे हैं, वरना यार डेटा नहीं आ जाता, समझे मेरी बात। चलो